नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अशोकनगर, संत शिरोमणि श्री नामदेव जी की 749वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्री नामदेव समाज द्वारा अशोकनगर में विशाल चल समारोह नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ निकला, जिसमें हजारों पुरुष महिलाओं ने भाग लिया। श्री नामदेव जी की शोभा यात्रा नामदेव मंदिर प्रांगण पठार मोहल्ला से शुरू हुई। रास्ते में जगह जगह श्री नामदेव जी का पूजन अर्चन कर आरती उतारी गई। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने महेंद्र भारद्वाज एवं अपनी टीम के साथ संत नामदेव जी की शोभा यात्रा में पहुंचकर भगवान विट्ठल के परम भक्त श्री नामदेव जी की पूजा अर्चना की और नामदेव जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। बजरंग दल दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी दीपक मिश्रा एवं मांडवी शर्मा श्री जैन ने अपनी टीम के साथ आकर श्री नामदेव जी की पूजा अर्चना की एवं श्री नामदेव जी की पालकी में लगे स्वजनों को तिलक कर माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर नामदेव समाज की बेटी मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की प्रदेश सचिव एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव पत्रकार का मुख्य अतिथि के रूप में साफा बांधकर सम्मान किया एवं माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट रेखा नामदेव ने अपने उद्बोधन में बताया कि किस हद तक संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की विट्ठल भगवान पर आस्था थी और भगवान विट्ठल ने संत नामदेव जी को किस प्रकार साक्षात दर्शन दिए थे, इस वक्तव्य के बारे में बताया और भक्त और भगवान के मधुर संबंध का वर्णन किया कि भगवान सिर्फ प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान हमेशा भक्त का मान रखते हैं क्योंकि कठिन प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को पैदल चलते देखा, स्वयं का मन रहे ना रहे भक्त का मन ना टलते देखा और समूचे नामदेव समाज का आवाहन किया कि हम नामदेव समाज के लोग संत शिरोमणि नामदेव जी के वंशज जाति से पिछड़े जरूर हैं लेकिन बुद्धि से नहीं, इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। हमारे समाज के अंदर भी प्रतिभाएं बहुत हैं, नारी शक्ति आवाहन करते हुए रेखा नामदेव ने संपूर्ण नगर में श्री नामदेव जी की पालकी को अपने कंधे पर धारण किया जिससे देश की सभी बेटियों का हौसला बुलंद हो। इस अवसर पर अतिथि के रूप में बलकोराम नामदेव शिक्षक शाड़ौरा, शिवचरण नामदेव रन्नौद, जितेंद्र नामदेव गंजबासौदा, आशाराम नामदेव पिपरई, सतपाल नामदेव पिपरई, हेमंत नामदेव गुना का, समिति के अध्यक्ष राजेंद्र नामदेव एवं उपाध्यक्ष कमलेश नामदेव, संरक्षक रामकिशन नामदेव, रामचरण नामदेव एवं बंटी नामदेव द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसी तारतम्य में समिति के सचिव राकेश नामदेव ने श्री नामदेव जी के मंदिर निर्माण के लेखा जोखा पर प्रकाश डाला एवं परिचय सम्मेलन की बेला को प्रारंभ कराया। कोषाध्यक्ष सुनील नामदेव ने परिचय सम्मेलन के अंतर्गत युवक युवतियों के परिचय की प्रक्रिया को संपन्न कराया एवं अशोकनगर नामदेव समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राजू नामदेव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त किया। वह कार्यक्रम का सफल संचालन समिति के मंत्री मोहन नामदेव ने किया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया एवं एक जोड़े का विवाह संपन्न हुआ और शाम को भंडारे का आयोजन किया गया। जयंती पर एकत्रित हुए संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज कि हम सभी वंशज हैं और हमारे नामदेव जी ने हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है कि सज्जनता के साथ प्रेम से मिलकर अच्छे से जीना, क्योंकि नामदेव जी महाराज प्रेम में डूबे वो व्यक्ति थे जिन्होंने विट्ठल भगवान की इतने हद तक आराधना की, इतने हद तक आराधना की कि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शनों को प्राप्त कर लिया। और श्री नामदेव जी ने एक बार ही नहीं कई बार फिर वो विट्ठल भगवान के दर्शनों को प्राप्त कर लिया था। जैसे कि एक कहावत है, पंडलपुर से जब उत्पत्ति नामदेव जी की हुई तो वहाँ पर भगवान के नित्य पूजन अर्चन याचना करते थे। एक दिन वो वाटिया बना रहे थे तो वाटिया बनाते समय वो वाटियों को एक कुत्ता उठाकर लेकर भाग गया तो वो उसके पीछे दौड़े और कहते हैं श्री नामदेव जी दौड़ते हुए कि भगवान बाटी को घी तो लगवा लीजिए, चिपड़वा तो लीजिए। तो नामदेव जी का ऐसा स्वभाव था, उनकी आदत थी और उनका ऐसा ही मिलनसार स्वभाव के कारण उस कुत्ते में प्रभु को प्रकट होना पड़ा।
वो हर जगह भगवान को देखते थे, कुत्ते ने भी उन्हें फिर वो कोई देखा कि चिपड़े तो खा लीजिए महाराज, तो भगवान विट्ठल वही प्रकट हो गए थे। तो हमारे नामदेव जी को एक बार नहीं अनेकों बार दर्शनों बार भगवान विट्ठल के दर्शन हुए हैं। ऐसे धन्य हमारे नामदेव जी और ऐसे नामदेव जी के वंशज हैं आज हम सब। आज हमारे अशोकनगर जिले के नव युवक मंडल ने, नामदेव समिति ने जो हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया या बुलाया और सबको एकत्रित कर इतना शानदार कार्यक्रम रखा, एक दूसरे का परिचय हुआ, इसके लिए सारी समिति, सारे नव युवक के मंडल के भाई सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से रेखा नामदेव की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।